चलिए किसी का आया। अब ईमानदारी से अपना अपना मिलाइएगा बाबू, ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का कितना सही है। अभिनव अनुभव चले। SO2 के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इसके लिए बाबू SO2 के लिए देखिए सल्फर है ना, ऑक्सीजन है ना बाबू, तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक, दो ऑक्सीजन है यार, तो इसको क्या दो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसे, समझो इसको पहले, चुहुका ना बाबू, ये समझोगे कैसे, सल्फर के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं, इतना कंफर्म, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सत्तर, छह होते हैं रितेश पांडे, तो ये देखिए छह दो आठ साझा कर लिए ना, छह दो आठ, आठ आठ दोनों का पूरा हुआ अधिक, इसके बाद ये क्या किया है, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया, ये पूर्ण रूप से अस्थाई हो गया था, इसलिए इसको तीर द्वारा क्या दिए, दो इलेक्ट्रॉन। गलत क्यों होगा पहले इसका कारण सुनो, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड क्या कर दिए, तो सल्फर में आप देख रहे हैं कि इसके बाद आपको उसमें छह इलेक्ट्रॉन होता है, पता ना सबको, छह दो आठ दो हो गया ना, लेकिन इस कंडीशन के लिए आए थे बेचारे सिडवी, उन्होंने बताया कि जब कोई अस्थाई परमाणु हो जाए तो वो अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी और को अस्थाई रखने के लिए दे सकता है, ये रूल हमने पढ़ाया है, तो ये दे दिया, कोई प्रॉब्लम भाई, चलो हाँ पूछो, ऑक्सीजन, हाँ एक चीज और सुनिए, कंडीशन ये होता कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक साथ रह सकता है, अन्यथा कहीं नहीं, और नहीं कर सकते, इसीलिए तो कह रहा है कि इसकी प्रवृत्ति है, कल भी बताए थे, कोई पूछा था, विवेक पूछे थे, प्रवृत्ति है कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक साथ जा सकता है, अन्यथा कहीं नहीं, और बोलो किसी को एनीवन क्वेश्चन है, बताई रिचा समझ में आओ, सही बताओ, अब बताए वो कैसा लोग मरवा, ऑक्सीजन का टिका तीन, यहाँ बताओ ये यस है ना, ध्यान दियो भैया, भैया महाकाल भाई, कई ऑक्सीजन है बाबू, तीन ऑक्सीजन है ना, ये बाबू ऐसे ऐड कर, ये अस्थाई हो गया है, ये क्या अस्थाई हुआ ना, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, कैसे बाबू, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर का आप कहाँ बता दिए, अरे सल्फर के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, छह, छह दो आठ, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में छह दो आठ, पूरा हो गया, हमने आपसे कहा जब कोई परमाणु पूर्ण रूप से अस्थाई हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो मुक्त है, दान देने के लिए वो मुक्त है, तो दे दिया, इसको चाहिए नहीं बाबू, ये इतना वजन है कि इसको अब चाहिए नहीं, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए था दे दिया, ये बोले भैया आप उन्हें दे दिया हम भी तो वही हैं, ले जाओ आप भी ले दो दो इलेक्ट्रॉन, ले गए ये भी ले गए भाई, ठीक, आगे इसके बाद चलते हैं ऊपर, समझो बाबू समझो, SO है ना सल्फर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, पहले ध्यान तो दीजिए बाबू, पहले मैं काहे परेशान हुए लगे, SOCl2 की बात कर रहा है ना, SOCl2 कितने कितने Cl हैं, दो Cl हैं, कितने Cl हैं, दो Cl हैं, यहां ध्यान दीजिए,
तो एक चीज और ध्यान दीजिए, सीएल के साथ इसकी प्रवृत्ति ऐसी भी होती है, इसे कहते हैं क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है यदि देखा जाए तो थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। ये क्या करता है बाबू, सल्फर जो है यहां पर सीएल ऑक्सीजन के साथ इसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये अपने अष्टक को भी पार कर जाता है अपवाद में। इसके साथ ये किसका काम कर रहा है? अपवाद का काम करेगा और अष्टक को भी क्या पार कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ, सीएल के वायतम कोष में कितना, सात, सीएल के वायतम कोष में कितना, एक आठ हुआ, सात एक आठ हुआ। अब सल्फर के वायतम कोष में छह, सल्फर है किस पर, सोलह पर, दो आठ छह। अब देखिए दो एक एक चार, अब इसमें छह चार कितना होगा, दस हुआ, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं। लेकिन लेकिन जिसके साथ जो प्रवृत्ति है उसको यदि हम हटा देंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप वैसा बनाना चाहें तो आप दे सकते हैं, गलत नहीं कटेगा। ठीक, हाँ बोलो भैया, किसका बराबर, मतलब जैसे आप कहना क्या चाहते हैं प्लीज, एस सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सीएल ओ के नीचे सिंगल, यही ना, आप यही कहना चाहते हैं। आप ये बताइए सल्फर ऑक्सीजन सीएल सीएल कौन किससे जुड़ा है, ये ध्यान देना पड़ता है यौगिक में। आप देख रहे हैं SOCl2 है ना, SOCl2 है, दिख रहा है कि नहीं, SOCl2 है। इस तरह बनाने का एक मतलब आपका ये हो गया कि ऑक्सीजन हमेशा केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड एक के साथ ले सकता, दो के साथ नहीं। ठीक, तमाम प्रतिबंध होते हैं, नहीं तो आप स्ट्रक्चर चाहे जैसे बना सकते थे स्ट्रक्चर। आप इनका यदि प्रवृत्ति ना होता इस तरह का तो आप चाहे जैसे बना सकते थे, तो केमिस्ट्री इतना आसान हो जाती जिसका कोई जवाब है नहीं। ठीक है, तब तो आप अपने मन के हो जाते एकदम। अरे यार, इसलिए नहीं बना सकते, इसकी प्रवृत्ति नहीं है जुड़ने का ना इससे, इसलिए किससे जुड़ सकता है? अरे भैया, यहाँ ये सल्फर से ऐड हो सकता है, ना कि सीएल से ऐड कर दो, कहीं लिखा पाए हो को सीएल या सीएल ओ टू कहीं पाए हो, याद है कभी? यही सब प्रॉब्लम है बाबू, इसीलिए जो है ये सब बताना पड़ रहा, नहीं तो हमें बताने की जरूरत ही क्या थी ये सब। ठीक है, अच्छा स्कूल में ये सब चैप्टर चल रहा है कि नहीं, अभी चल रहा है, बता रहे हैं ये सब कहा भैया? अरे तो सिग्मा पाई कैसे पहुंची है बिना ये का पढ़ाए, नहीं यार ये बिना बताए कैसे आगे चले गए। इधर देखो, इसका इसका वहां बनाया है, देखिएगा CO2 Cl2 SO2 Cl2। सल्फर के वायतम कोष में हमने कहा इस यौगिक के अवस्था अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझ में आया भाई? ऑक्सीजन के वायतम कोष में कितना, छह, सीएल के वायतम कोष में कितना, सात, सीएल के वायतम कोष में कितना, ऑक्सीजन के वायतम कोष में कितना, अब बताओ छह दो आठ, छह दो आठ, फिर छह दो आठ, एक एक दो, मतलब खर्च कितना हुआ सल्फर में, आप देख रहे हैं कि इसके वायतम कोष में छह छह दो आठ दो दस दो बारह हो गया, लेकिन तब भी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। ऑक्सीजन के वायतम कोष में कितना, छह होता छह दो छह दो सात है सात है, सल्फर सीधा अगर तीन का निशान लगाया तो डबल कंटेनर किसके यहाँ, यहाँ यहाँ, जब आप ये प्रवृत्ति हम बता दीजिए तो इसका अष्टक पूरा
होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो आप काहे को परेशान होंगे, ठीक लगा देंगे तो भी सही है। इतना हुआ, अगला समझा दें। इधर देखिए अगला क्या होगा बाबू, CO3 है ना, यहाँ बताओ H सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ये गजब का है। कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है बंदा, अकेला है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन के आयतन कोष में तो छह एक सात आठ, हाइड्रोजन एक एक दो, हाइड्रोजन एक एक दो, कार्बन के आयतन कोष में चार दो छह एक सात एक आठ, ऑक्सीजन के आयतन कोष में छह दो आठ, दैट इज साल। कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम उसके लिए आप निश्चिंत, ठीक है। इतना बना लीजिए आप लोग सब लोग, चलिए किसी का आया। अब ईमानदारी से अपना अपना मिलाइएगा बाबू, ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का कितना सही है। अभिनव अनुभव चले। SO2 के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इसके लिए बाबू SO2 के लिए देखिए सल्फर है ना, ऑक्सीजन है ना बाबू, तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक। दो ऑक्सीजन है यार, तो इसको क्या दो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसे, समझो इसको पहले, चुहकन बाबू ये समझोगे कैसे। सल्फर के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं। ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं। इतना कंफर्म ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सत्तर, छह होते हैं रितेश पांडे। तो ये देखिए छह दो आठ साझा कर लिए ना, छह दो आठ, आठ आठ दोनों का पूरा हुआ अधिक। इसके बाद ये क्या किया है, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ये पूर्ण रूप से अस्थाई हो गया था, इसलिए इसको तीर द्वारा क्या दिया, दो इलेक्ट्रॉन। गलत क्यों होगा, पहले इसका कारण सुनो। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड क्या कर दिए, तो सल्फर में आप देख रहे हैं कि इसके बाद आपको उसमें छह इलेक्ट्रॉन होता है, पता ना सबको, छह दो आठ दो हो गया ना। लेकिन इस कंडीशन के लिए आए थे बेचारे सिडविक, उन्होंने बताया कि जब कोई अस्थाई परमाणु हो जाए तो वो अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी और को अस्थाई रखने के लिए दे सकता है, ये रूल हमने पढ़ाया है, तो ये दे दिया। कोई प्रॉब्लम भैया, चलो हाँ पूछो। ऑक्सीजन, हाँ एक चीज और सुनिए, कंडीशन ये होता कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक साथ रह सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। और नहीं कर सकते, इसीलिए तो कह रहा है कि इसकी प्रवृत्ति है, कल भी बताए थे, कोई पूछा था, विवेक पूछे थे, प्रवृत्ति है कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक साथ जा सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। और बोलो किसी को, एनीवन क्वेश्चन है, बताई रिचा समझ में आओ, सही बताओ, अब बताए वो कैसा लोग बनवा, ऑक्सीजन का ठीक तीन, यहाँ बताओ ये यस है ना, ध्यान दियो भैया, भैया महाकाल भाई कई ऑक्सीजन है बाबू, तीन ऑक्सीजन है ना, ए बाबू ऐसे ऐड कर, ये अस्थाई हो गया है अब, ये क्या अस्थाई हुआ ना, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, कैसे बाबू। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर का आप कहाँ बता दिए,
अरे सल्फर के वाहकम तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? छह। छह दो आठ। ऑक्सीजन के वाहकम कोष में छह दो आठ। पूरा हो गया। हमने आपसे कहा जब कोई परमाणु पूर्ण रूप से अस्थाई हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो मुक्त है, दान देने के लिए वो मुक्त है। तो दे दिया, इसको चाहिए नहीं बाबू। ये इतना वजन है कि इसको अब चाहिए नहीं। दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए था, दे दिया। ये बोले भैया आप उन्हें दे दिया, हम भी तो वही हैं, ले जाओ आप भी ले दो इलेक्ट्रॉन। ले गए, भी ले गए भाई। ठीक, आगे इसके बाद चलते हैं इन पर। समझो बाबू, समझो। SO है ना, सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। पहले ध्यान तो दीजिए बाबू, पहले मैं काहे परेशान हुए लगे। SO Cl2 की बात कर रहा है ना, SO Cl2 कितने कितने Cl हैं? दो Cl हैं। कितने Cl हैं? दो Cl हैं। यहां ध्यान दीजिए, तो एक चीज और ध्यान दीजिए, Cl के साथ इसकी प्रवृत्ति ऐसी भी होती है, इसे कहते हैं क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है यदि देखा जाए तो थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड। ये क्या करता है बाबू, सल्फर जो है यहां पर Cl ऑक्सीजन के साथ इसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये अपने अष्टक को भी पार कर जाता है अपवाद में। इसके साथ ये किसका काम कर रहा है? अपवाद का काम करेगा और अष्टक को भी क्या पार कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ, Cl के वाहकम कोष में कितना? सात। Cl के वाहकम कोष में कितना? सात। एक आठ हुआ, सात आठ हुआ। अब सल्फर के वाहकम कोष में छह। सल्फर है किस पर? सोलह पर। दो आठ छह। अब देखिए दो एक चार। अब इसमें छह चार कितना होगा? दस हुआ। लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं। लेकिन लेकिन जिसके साथ जो प्रवृत्ति है उसको यदि हम हटा देंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप वैसा बनाना चाहें तो आप दे सकते हैं, गलत नहीं कटेगा। ठीक, हाँ बोलो भैया। किसका बराबर मतलब? जैसे आप कहना क्या चाहते हैं प्लीज। एस सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सीएल, ओ के नीचे सिंगल, यही ना आप यही कहना चाहते हैं। आप ये बताइए सल्फर ऑक्सीजन Cl Cl कौन किससे जुड़ा है, ये ध्यान देना पड़ता है यौगिक में। आप देख रहे हैं SO Cl2 है ना, SO Cl2 है, दिख रहा है कि नहीं? SO Cl2 है। इस तरह बनाने का एक मतलब आपका ये हो गया कि ऑक्सीजन हमेशा केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड एक के साथ ले सकता, दो के साथ नहीं। ठीक, तमाम प्रतिबंध होते हैं, नहीं तो आप स्ट्रक्चर चाहे जैसे बना सकते थे स्ट्रक्चर। आप इनका यदि प्रवृत्ति ना होता इस तरह का तो आप चाहे जैसे बना सकते थे, तो केमिस्ट्री इतना आसान हो जाती जिसका कोई जवाब है नहीं। ठीक है, तब तो आप अपने मन के हो जाते एकदम। क्यों नहीं बना? अरे यार इसलिए नहीं बना सकते, इसकी प्रवृत्ति नहीं है जुड़ने का ना इससे, इसलिए। अरे भैया यहाँ ये सल्फर से ऐड हो सकता है, ना कि सीएल से ऐड कर दो, कहीं लिखा पाए हो ओ सीएल या सीएल ओ टू कहीं पाए हो, याद है कभी? यही सब प्रॉब्लम है बाबू, इसीलिए जो ये सब बताना पड़ा, नहीं तो हमें बताने की जरूरत ही क्या थी ये सब। ठीक है, अच्छा स्कूल में ये सब चैप्टर चल रहा है कि नहीं? अभी चल रहा है, बता रहे हैं ये सब कहाँ भी है? अरे तो सिग्मा पाई कैसे पहुंची है बिना एक पढ़ाए? अरे
नहीं यार ये बिना बताए कैसे आगे चले गए। इधर देखो इसका इसका वहां बनाया है देखिएगा CO टू सी एल टू SO2 Cl2। सल्फर के वाहकम कोष में हमने कहा कि यौगिक के अवस्था अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना समझ में आया भाई? ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितना 6, Cl के वाहकम कोष में कितना 7, Cl के वाहकम कोष में कितना 8, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितना, अब बताओ 6, 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 1, 1, मतलब खर्च कितना हुआ। सल्फर में आप देख रहे हैं कि इसके वाहकम कोष में 6, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 हो गया, लेकिन तब भी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितना 6 होता 6, 2, 6, 2, 7, 8, 7, 8, 3 सल्फर सीधा अगर 3 के निशान लगाया तो डबल कंटेंट किसके यहाँ, यहाँ यस यहाँ जब आप ये प्रवृत्ति हम बता दीजिए कि इसका अष्टक पूरा होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो आप काहे को परेशान होंगे, ठीक लगा देंगे तो भी सही है। इतना हुआ, अगला समझा दें। इधर देखिए अगला क्या होगा बाबू, CO3 है ना, यहाँ बताओ H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड क्या करते हैं, ये गजब का है। कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है बंदा, अकेला है। ऑक्सीजन 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 ठीक है। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन के वाहकम कोष में तो 6, 1, 7, 8, 6, 1, 7, 8, 8 हाइड्रोजन 1, 1, 2 हाइड्रोजन 1, 1, 2 कार्बन के वाहकम कोष में 4, 4, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 8 ऑक्सीजन के वाहकम कोष में 6, 2, 8 दैट इज इज सॉल्व। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसके लिए आप निश्चिंत हैं, ठीक है। इतना बना लीजिए आप लोग सब लोग। चलिए किसी का आया, अब ईमानदारी से अपना अपना मिलाइएगा बाबू, ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों का कितना सही है। अभिनव अनुभव चले। SO2 के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इसके लिए बाबू SO2 के लिए देखिए सल्फर है ना, ऑक्सीजन है ना बाबू, तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक। दो ऑक्सीजन है यार, तो इसको क्या दो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसे। समझो इसको पहले, चुहुका ना बाबू, ये समझोगे कैसे। सल्फर के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इतना कंफर्म जी सर। ऑक्सीजन के वाहकम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 6 होते हैं रितेश पांडे। तो ये देखिए 6, 2, 8 साझा कर लिए ना, 6, 2, 8 आठ आठ दोनों का पूरा हुआ अधिक। इसके बाद ये क्या किया, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन, और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ये पूर्ण रूप से अस्थाई हो गया था, इसलिए इसको तीर द्वारा क्या दिए, दो इलेक्ट्रॉन। गलत क्यों होगा, पहले इसका कारण सुनो। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड क्या कर दिए, तो सल्फर में आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पता ना सबको, 6, 2, 8, 2 हो गया ना। लेकिन इस कंडीशन के लिए आए थे बेचारे सिडविक, उन्होंने बताया कि जब कोई अस्थाई परमाणु हो जाए तो वो अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी और को अस्थाई रखने के लिए दे सकता है, ये रूल हमने पढ़ाया है, तो ये दे दिया, कोई प्रॉब्लम भैया। चलो हाँ पूछो, दो ऑक्सीजन आपको साझा करने
ऑक्सीजन, हाँ एक चीज और सुनिए, कंडीशन ये होता है कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन पराऑक्साइड में एक साथ रह सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। और नहीं कर सकते, इसीलिए तो कह रहा है कि इसकी प्रवृत्ति है, कल भी बताए थे, कोई पूछा था, विवेक पूछे थे, प्रवृत्ति है कि ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन पराऑक्साइड में एक साथ जा सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। और बोलो किसी को, एनीवन क्वेश्चन है? या भाई यार बताई रिचा, समझ में आओ सही बताओ, अब बताए वो कैसा फरवा ऑक्सीजन का टिप तीन, यहाँ बताओ ये यस है ना, ध्यान दियो भैया, भैया महाकाल भाई कई ऑक्सीजन है बाबू, तीन ऑक्सीजन है ना, ए बाबू ऐसे ऐड कर, ये अस्थाई हो गया है, ये क्या अस्थाई हुआ ना, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, कैसे बाबू? कुछ लोग ये समझ रहे होंगे सर का आप कहा बता दी है, अरे सल्फर के वाहकम तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, छह, छह दो आठ, ऑक्सीजन के वाहकम कोष में छह दो आठ, पूरा हो गया। हमने आपसे कहा जब कोई परमाणु पूर्ण रूप से अस्थाई हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो मुक्त है, दान देने के लिए वो मुक्त है, तो दे दिया, इसको चाहिए नहीं बाबू, ये इतना वजन है कि इसको अब चाहिए नहीं, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए था दे दिया, ये बोले भैया आप उन्हें दे दिया, हम भी तो वही हैं, ले जाओ आप भी ले दो इलेक्ट्रॉन, ले गए भी ले गए भाई, ठीक। आगे इसके बाद चलते हैं इन पर, समझो बाबू समझो, एस ओ है ना, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी एल, सिंगल बॉन्ड सी एल, पहले ध्यान तो दीजिए बाबू, पहले मैं काहे परेशान हुए लगे, SO Cl2 की बात कर रहा है ना, SO Cl2 कितने कितने Cl हैं, दो Cl हैं, कितने Cl हैं, दो Cl हैं, यहां ध्यान दीजिए, तो एक चीज और ध्यान दीजिए, Cl के साथ इसकी प्रवृत्ति ऐसी भी होती है, इसे कहते हैं क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है यदि देखा जाए तो थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड, ये क्या करता है बाबू, सल्फर जो है यहां पर सीएल ऑक्सीजन के साथ इसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये अपने अष्टक को ही पार कर जाता है अपवाद में, इसके साथ ये किसका काम कर रहा है, अपवाद का काम करेगा और अष्टक को भी क्या पार कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ, सीएल के वाहकम कोष में कितना, सात, सीएल के वाहकम कोष में कितना, एक आठ हुआ, सात एक आठ हुआ, अब सल्फर के वाहकम कोष में छह, सल्फर है किस पर, सोलह पर, दो आठ छे, अब देखिए दो एक एक चार, अब इसमें छे चार कितना होगा, दस हुआ, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन लेकिन जिसके साथ जो प्रवृत्ति है उसको यदि हम हटा देंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि आप वैसा बनाना चाहें तो आप दे सकते हैं, गलत नहीं कटेगा, ठीक। हाँ बोलो भैया, किसका बराबर, मतलब जैसे आप कहना क्या चाहते हैं प्लीज, एस सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सीएल, ओ के नीचे सिंगल, यही ना आप यही कहना चाहते हैं, आप ये बताइए सल्फर ऑक्सीजन सीएल सीएल कौन किससे जुड़ा है, ये ध्यान देना पड़ता है यौगिक में, आप देख रहे हैं SOCl2 है ना, SOCl2 है,
दिख रहा है कि नहीं, SO Cl2 है। इस तरह बनाने का एक मतलब आपका ये हो गया कि ऑक्सीजन हमेशा केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड एक के साथ ले सकता, दो के साथ नहीं। ठीक, तमाम प्रतिबंध होते हैं, नहीं तो आप स्ट्रक्चर चाहे जैसे बना सकते थे स्ट्रक्चर। आप इनका यदि परिवृत्ति ना होता इस तरह का, तो आप चाहे जैसे बना सकते थे, तो केमिस्ट्री इतना आसान हो जाती जिसका कोई जवाब है नहीं। ठीक है, तब तो आप अपने मन के हो जाते एकदम। क्यों नहीं बना? अरे यार, इसलिए नहीं बना सकते, इसकी प्रवृत्ति नहीं है जुड़ने का ना इससे, इसलिए। किससे जुड़ सकता है? अरे भैया, यहाँ ये सल्फर से ऐड हो सकता है, ना कि सीएल से ऐड कर दो। कहीं लिखा पाए हो वो सीएल या सीएलओ2 कहीं पाए हो? याद है कभी? यही सब प्रॉब्लम है बाबू, इसीलिए जो है ये सब बताना पड़ा, नहीं तो हमें बताने की जरूरत ही क्या थी ये सब। ठीक है, अच्छा स्कूल में ये सब चैप्टर चल रहा है कि नहीं? अभी चल रहा है, बता रहे हैं ये सब कहाँ भी है? अरे तो सिग्मा पाई कैसे पहुंची है बिना एक पढ़ाए? नहीं यार, ये बिना बताए कैसे आगे चले गए? इधर देखो, इसका इसका वहां बनाया है, देखिएगा CO2 Cl2 SO2 Cl2। सल्फर के वाहकन कोष में हमने कहा इस यौगिक के अवस्था अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना समझ में आया भाई? ऑक्सीजन के वाहकन कोष में कितना? 6। सीएल के वाहकन कोष में कितना? 7। सीएल के वाहकन कोष में कितना? 7। ऑक्सीजन के वाहकन कोष में कितना? 6। अब बताओ, 6 2 8 6 2 8 फिर 6 2 8 8, एक एक दो, मतलब खर्च कितना हुआ? सल्फर में आप देख रहे हैं कि इसके वाहकन कोष में 6 6 2 8 2 10 2 12 हो गया, लेकिन तब भी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। ऑक्सीजन के वाहकन कोष में कितना? 6 होता 6 2 6 2 7 8 7। सल्फर से इधर अगर 3 का निशान लगाया तो डबल कंटेनर किसके यहां? सल्फर यहां। यस सर, यहां। जब आप ये प्रवृत्ति हम बता दीजिए कि इसका अष्टक पूरा होने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो आप काहे को परेशान होंगे? ठीक, लगा देंगे तो भी सही है। इतना हुआ, अगला समझा दें। इधर देखिए, अगला क्या होगा बाबू? CO3 है ना, यहाँ बताओ H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ये गजब का है। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। कार्बन कितना है बंदा? अकेला है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन के वाहकन कोष में तो 6 1 7 8 6 1 7 8 8, हाइड्रोजन 1 1 2, हाइड्रोजन 1 1 2, कार्बन के वाहकन कोष में 4 4 4 2 6 1 7 8, ऑक्सीजन के वाहकन कोष में 6 2 8। दैट इज सॉल्व, कोई प्रॉब्लम इस कोई प्रॉब्लम उसके लिए आप निश्चिंत है। ठीक है, इतना बना लीजिए आप लोग सब लोग।